राम के भक्त, वाह। प्रभु वाह, तेरी लीला अपरंपार है। मटके में तो मिठाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे पंडित जी, आप तो कह रहे थे कि इसके पास कुछ भी नहीं है, इसने तो ढेर सारी मिठाइयां लाके परोस दी। अरे मिठाई तो आ गई, परंतु छोटी जाति वाले के घर भोजन करने से हमें लज्जा नहीं आएगी। पंडित जी क्या करें, भोजन तो सामने आ गया, यदि अब भोजन नहीं करेंगे तो ये अनदेवता का अपमान होगा। पंडित जी आप ठीक कर रहे हो, चलो भोजन जीवना शुरू करें। इस प्रकार सभी ब्राह्मणों ने कबीर जी के घर पर भरपेट भोजन किया।
और कबीर जी ने सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर खुशी खुशी विदा किया। परंतु कुछ ब्राह्मणों के मन में कबीर जी के प्रति अब भी ईर्ष्या थी। रेखी, हे भगवान, मेरा तो आज स्नान करना ही बेकार जाएगा। ये छोटी जाति का जुलाहा माथे जो लग गया। राम 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 राम। पंडित जी, राम राम। राम राम। अरे 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 अरे, धत्त रे किए, तुम अभी तक गए नहीं हो। नाए धोए क्या हुआ जो मन मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे पर धोए बांस न जाए। पंडित जी, मैं कैसे चला जाता? आप स्नान करके जाते तभी तो मैं स्नान करने जाता। क्या मालूम गंगा मैया मेरे स्नान करने से सारी अशुद्ध हो जाती, तो आप स्नान कैसे करते? आपने मुझे देख लिया है और आपको लगता है कि मुझे देखने से आपका स्नान व्यर्थ हो गया, तो एक बार फिर स्नान कर लीजिए। कबीर, तुम्हें शर्म नहीं आती जो पंडितों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो? अच्छा होगा तुम बाहर किसी कुएं पर स्नान कर लिया करो, या फिर नीचे शूद्र घाट पर जाकर स्नान करो। लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं। हे ब्राह्मण देवता, जब आप माँ के पेट में थे उस समय न कोई कुल था न जाति थी। ब्रह्मा जी के बनाए सब जीव जन्म लेते हैं। ये बताओ, ब्रह्मा कब आए? क्या उनसे पहले ब्राह्मण पैदा हो गए? ऐसा नहीं है। ऐसा कहकर क्यों अपना जन्म व्यर्थ गवाते हो? जन्म से ना कोई ऊंच है ना नीच है। ये धर्म और जाति तो लोगों के कर्म अनुसार हम इंसानों ने बनाए हैं। कबीर, मैं ब्राह्मण हूं। मेरा पिता, मेरा दादा व मेरा परदादा ब्राह्मण थे। मेरी माता ब्राह्मणी थी। माता पिता की औलाद होने के कारण मैं भी उच्च कोटि का ब्राह्मण हूं। तुम अगर मां के पेट से पैदा हुए हो तो हर इंसान मां के पेट से पैदा होता है। तुमने किसी और रास्ते से जन्म तो नहीं लिया? तुम भी उसी रास्ते से आए हो जिससे सामान्य लोग आते हैं। अगर भगवान ने जाति और ऊंच नीच बनाई होती तो ऊंची जातियों के लिए जन्म का रास्ता भी अलग बनाया होता। इसलिए सभी प्राणी एक समान है, कोई छूत अछूत नहीं है। इंसान कर्मों से ऊंचा नीचा होता है। पंडित जी, तुम कैसे ब्राह्मण हुए और मैं कैसे शूद्र हुआ? तुम्हारी रगों में भी लहू है और मेरी रगों में भी लहू। संसार के सभी प्राणियों में एक जैसा लहू होता है। मांस शारीरिक ढांचा भी एक समान ही होता है। जो भगवान को मानता और उसका ध्यान करता है, हम तो उसी को ज्ञानी कहते हैं। जन्म के कारण किसी को अज्ञानी अथवा शूद्र नहीं कहते। जो विद्या प्राप्त करके ब्रह्मा को जाने और उसका स्मरण करे, सारी सृष्टि के जीवों को प्यार करे, वास्तव में वही ब्राह्मण है। छूत अछूत को मानने वाले ये पंडित नहीं कपटी हैं, जो कि भगवान से भी कपट करते हुए नहीं कतराते। पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पर पंडित भया न कोई।
डाई आखर प्रेम के पड़े सो पंडित हो। अरे तुम शूद्र होकर ब्रह्मा की बातें करते हो, जाओ यहां से और मुझे स्नान करने दो। तुम्हारी वजह से मुझे फिर स्नान करना पड़ रहा है। गए पंडित जी, आज तो आपने काफी देर लगाई। देर? आज का तो दिन ही निर्भाग था। वो कबीर नीची जाति वाला, सुबह सुबह उसके दर्शन हो गए। अब तुम भी देर ना करो, मेरे लिए भोजन लेकर आओ। पंडित जी इतना क्रोध ना करो, आप बैठो, मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। आज तो कबीर ने सारी गंगा को नापाक कर दिया। बनता है अपने आप में ब्रह्म ज्ञानी, देख लूंगा उसे। वो बैठा कबीर। कहां बैठा? वो बैठा कबीर। मेरे को नहीं दिखाई दे रहा कबीर कहां बैठा है। ये खाना भी खा रहा है मेरे साथ। स्वामी आप कबीर पे इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? वो तो राम भगत है। पंडितायन चुप हो जा। तुझे वो राम भगत लगता है? अरे वो जादू टोने वाला तांत्रिक है, तांत्रिक। तूने मुझे भोजन दिया, मेरे साथ बैठ गया खाने के लिए। वो क्या मैं शूद्र के साथ खाना खाऊंगा? नहीं, मैं नीची जाति वाले के साथ खाना कभी नहीं खाऊंगा, कभी नहीं। मैं पंडित हूं, पंडित, उच्च कोटि का पंडित। हे भगवान, ये तो पागल हो गए हैं। मैं भी यही हूं, मैंने तो कबीर को देखा नहीं। कबीर क्या, यहां तो उसकी परछाई भी नहीं आई। आपने थाली को क्यों फेंक दिया? इससे तो अन्न देवता का अपमान होता है। तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम अंधी हो गई हो। उस शूद्र ने मेरी थाली में से खाना खा लिया है। अब तुम ही बताओ, थाली उठा कर ना फेंकूं तो क्या करूं? ये देखो, अब भी परछाई की तरह मेरे साथ चिपका हुआ है। क्या आप सुबह सुबह उससे झगड़ा करके आए हो? अरे तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो गंगा स्नान करने गया था। सुबह सुबह उसके कई बार दर्शन हो गए। पंडित जी उनसे क्षमा मांग लो, वो हरि भगत हैं, कोई साधारण इंसान नहीं है। क्या कहा, क्षमा मांग लो? मैं ब्राह्मण होकर उस शूद्र के पांव पड़ूं? हे प्रभु, कलयुग घोर अंधेर, ये नहीं हो सकता। मैं कबीर का सिर फोड़ दूंगा, उसकी टांगे तोड़ दूंगा, मैं उसको खत्म कर दूंगा। मेरी आंखें
कबीर को देख रही है, मैं उसे जान से मार दूंगा। वह शूद्र ही तो है, वह कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। मैं उसे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। पकड़ो पकड़ो, मेरा पति पागल हो गया है। लोगों, इन्हें पकड़ो, नहीं तो ये किसी की हत्या कर देंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? लोगों, इन्हें पकड़ो। ये क्या, अभी अभी तो ये मेरे आगे भाग रहा था, अब सामने से चला आ रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गंगा से स्नान करके आ रहा हो। जब मैं गंगा में स्नान कर रहा था तो मेरे साथ भी स्नान कर रहा था और सामने भी दिखाई दे रहा था। जब मैं घर पे भोजन करने लगा तो मेरे साथ ही भोजन कर रहा था, परंतु ये पंडिताइन को दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है ये कोई जादूगर है, इसका तो जादू टोना निकालता हूं। ये पत्थर तेरी तो भाई, यो मुकंदा तो पागल हो गया। भाई ठीक है, यो पागल हो गया। जोर से पत्थर मारने पर भी ना तो कबीर को चोट लगी और ना ही खून निकला और ना ही ये गिरा। हे भगवान, इसको तो पत्थर का कोई निशान भी नहीं पड़ा, इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? मुझे तो लगता है ये कोई हरि भक्त है। मैंने तो इस पर अत्याचार करके बहुत बुरा किया है। लगता है पंडिताइन ठीक ही कह रही थी कि ये हरि भक्त है, इसको कुछ मत कहो। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे कबीर से अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए। हे भगवान, तेरी लीला तू ही जाने। अब तो मुझ मूर्ख को तुम ही रास्ता दिखाओ। भगवान, तुम ही रास्ता दिखाओ। क्या बात है मुकंदा जी, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? सब कुशल से तो है। मुझे माफ कर दीजिए कबीर जी, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कबीर जी, मुझे माफ कर दीजिए। कबीर जी, मुझे माफ कर दीजिए। जहां दया वहां धर्म है और जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां यक्ष मावाप। हे पंडितों, हमारे घर में तो सूत की तानियां बनाई जाती हैं। रत्ती भर सूत गले में डालकर कहते हो जनेऊ डाला हुआ है, आपने तो सिर्फ एक धागा ही डाला हुआ है। हम तो ताने ही उठाए फिरते हैं। मेरी जबान हर समय प्रभु का नाम जपती है और आँखों में नारायण बसते हैं। हे मुकंदा जी, जब तुमसे भगवान पूछेंगे तो बताओ तुम क्या उत्तर दोगे? यही कि हम तो गवार थे, तुम हमारे मालिक रक्षक बने रहे, पर हजारों वर्षों से तुमने हमें पार नहीं उतारा। अरे तुम तो ब्राह्मण हो, मैं काशी का जुलाहा, मेरे ज्ञान को समझो। तुम तो सदा राज की ताक में रहते हो, हमारा ध्यान तो सिर्फ़
परमात्मा की ओर है। हम रात दिन उसी के गुण गाते हैं। अटल फकीरी दोन लाल लटक मन की छोड़ दे रे भाई। अटल फकीरी ओ दोन लाल लटक मन की छोड़ दे रे भाई। गंगा नाए हरि मिले ते मैं भी लूंगा ना, वो गंगा नाए हरि मिले तो वो कोई लेवे ना। मेंढक मछली जल के अंदर उन्हें कभी क्यों ना मिल जा। लटक मन की छोड़ दे रे अटल फकीरी ओ दोन लाल लटक मन की छोड़ दे रे भाई। लटा बड़ाए हरि मिले तो मैं बिलू बड़ाए। लटा बड़ाए हरि मिले तो वो कोई लेवे बड़ा। बड़े बड़े पंख मोर के होते उनका भी क्यों ना मिल जा। लटक मन की छोड़ दे रे अटल फकीरी ओ दोन लाल लटक मन की छोड़ दे रे भाई। मुंड मुंडाए हरि मिले तो मैं भी लूं मुंडा। ओ मुंड मुंडाए हरि मिले तो मैं भी लूं मुंडा। छठे महीने फेड़ मुंड दे उसने भी क्यों ना मिल जा। लटक मन की छोड़ दे रे अटल फकीरी ओ दोन लाल लटक मन की छोड़ दे रे भाई। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूंगा पहाड़। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूंगा पहाड़। घर की चाक का देना पूजे जिसका पीछा खा। लटक मन की छोड़ दे रे भाई
अटले फकीर धुन लाला तक मन की छोड़ दे रे भाई। फेरे अरे मिले तो मैं फेरू तकसीर, माला फेरे अरे मिले तो मैं फेरू तकसीर। ओ मन कमणिया क्यों ना फेरे कहते हैं दास कबीर, तटक मन की छोड़ दे रे भाई। अटले फकीर धुन लाला तक मन की छोड़ दे रे भाई। बोलो संत कबीर की जय हो, संत कबीर की जय हो, संत कबीर की जय हो। इस तरह से संत कबीर जी के चर्चे जगह जगह होने लगे। ज्यादातर सभी जाति के लोग और ब्राह्मण भी अब कबीर जी को मानने लगे। परंतु उस समय मुस्लिम साम्राज्य था और मुस्लिम समुदाय के लोग कबीर जी की दिन प्रतिदिन बढ़ती लोकप्रियता को देखकर जलने लगे। सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। आइए आइए इकबाल भाई जान, इत्मीनान से बैठिए। क्या बैठे भाई जान, मैंने नीरू को कई बार समझा कि अपने लौंडे कबीर को समझा लो, ये हमारे इस्लाम धर्म की खिलाफत करता है, मगर वो सुनता ही नहीं। हाँ भाई जान, मैंने भी उसे कई बार समझाया लेकिन उसके कानों पर तो जो ही नहीं रेंगती। अगर इसका इंतजाम नहीं किया तो हमारा इस्लाम धर्म खतरे में पड़ सकता है। उसने बहुत से मुसलमानों को बहका दिया है। अरे भाई जान, जब हम नमाज पढ़ते हैं और मौलवी बांग देता है उसका भी मजाक उड़ाता है कि क्या खुदा बहरा है, बादशाह सलामत सिकंदर लोदी काशी जी में आए हुए हैं, क्यों ना हम सब मिलकर बादशाह से कबीरा की शिकायत करें ताकि इस कबीरा को सबक सिखाया जाए। भाई जान, ख्याल तो बड़ा नेक है, हम कल ही बादशाह सिकंदर लोदी से मिलते हैं। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। कहो फरियादी, किस लिए आए हो? बादशाह सलामत, इस्लाम धर्म खतरे में पड़ सकता है अगर समय रहते कबीर को सबक ना सिखाया गया तो। फरियादी बताओ, ऐसी क्या बात है जिससे इस्लाम खतरे में पड़ सकता है? जहां पना, एक कबीर नाम का जुलाहा हमारे मुसलमान भाइयों को बरगला रहा है और हमारे धर्म के खिलाफ भड़का रहा है। उस कबीर की इतनी हिम्मत कि हमारे धर्म की खिलाफत करे? सिपाहियों जाओ, उस कबीर नाम के जुलाहे को गिरफ्तार करकर हमारे सामने लाओ। जो आज्ञा आलम पना। और मंदिर छोड़ो, मस्जिद छोड़ो, ये खाली एक मजाक है, पर दिल किसी का कभी न तोड़ो, ये असली घर खुदा का है।
मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे हूँ मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे पास में। और वो को कहाँ ढूंढे मैं तो तेरे पास में, मैं को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना तीर्थ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मथुरा में ना काशी में, मैं तो हूँ अरदास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जप में ना में तप में ना में व्रत उपवास में, ना में जप में ना में तप में ना में व्रत उपवास में, ना में क्रिया कर्म में रहता नहीं योग संन्यास मेरे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना त्रिकुटी भंवर गुफा में सब श्वासों की श्वास में, ना त्रिकुटी भंवर गुफा में सब श्वासों की श्वास में, खोजी को मिल जाऊं मैं एक पल की तलाश में, खोजी को मिल जाऊं मैं एक पल की तलाश में। रे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना पर्वत कैलाश में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना पर्वत कैलाश में, के कबीर सुनो रे साधो मैं तो हूँ विश्वास में, के कबीर सुनो रे साधो मैं तो हूँ विश्वास में। और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नीरू, ओ नीरू, कहाँ है तेरा बेटा कबीर, हमारे सामने लाओ। आइए आइए, बैठिए बैठिए जनाब। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं, हमें और भी बहुत से काम हैं। जल्दी कबीर को बुलाओ, बादशाह सलामत ने उसे दरबार में बुलाया है। अरे अरे जनाब, कैसी बातें करते हो, ऐसा क्या कर दिया है कबीर ने जो बादशाह सलामत ने उसे अभी बुलाया है। राम राम, हे राम। कबीर चलो हमारे साथ, बादशाह सलामत ने तुम्हें याद किया है। चलो भाइयों, जैसी राम जी की इच्छा। पिताजी आप चिंता न करें, मैं जल्दी घर वापस आऊंगा। पिताजी मैं राम का बंदा हूँ, शायद मेरे प्रभु
बादशाह का अंधकार दूर करना चाहते हैं। चलो भाइयों। आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं राम भक्त हूं। चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। जहां पना का इकबाल बुलंद हो। कहो सिपाही, कबीर को ले आए। जी जहां पना। क्या तेरा ही नाम कबीर है? जी हाँ, मेरा ही नाम कबीर है। क्या ये सच है कि तू हिंदू धर्म और इस्लाम के विरुद्ध प्रचार करता है, लोगों को गुमराह करने के लिए कविता गाता है, पुरानी परंपराओं और धर्म के विरुद्ध लोगों को भड़काता है, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है और तुमने हमें सलाम भी नहीं किया? बादशाह, मैं किसी के विरुद्ध नहीं, काजियों पंडितों की उन बातों के विरुद्ध हूं जो भोले भाले लोगों को धोखा देने के लिए करते हैं। पाखंडों आडंबरों के विरुद्ध हूं, चाहे पाखंड इस्लाम धर्म का हो चाहे हिंदू धर्म का। लोगों को भले की बात बताता हूँ। रही सलाम की बात, सलाम मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं राम को अपना बादशाह मानता हूँ। अपने राम के बिना मैं किसी डर से सलाम नहीं करता। मेरा राम जगत का बादशाह है। तेरा क्या मतलब है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दोनों मतों से न्यारा राम का स्मरण करना और मानव से प्रेम करना, सब राम के बनाए हुए हैं। राम उनका रक्षक है, वो हर किसी की मदद करता है। मैं राम का स्मरण करता हूँ। तुम बहुत बिगड़े हुए हो, मुसलमान होकर राम का नाम लेते हो, कहते हो मैं तो पुरानी मतों के विरुद्ध हूँ, बादशाह को बादशाह नहीं मानते, राज के अमन को तुमसे खतरा है, इसलिए तुम्हें पानी में डुबोया जाएगा। उस समय हिंदू और मुसलमानों को बुलाकर दिखाया जाएगा तुम बागी हो और बादशाह के विरुद्ध बगावत करते हो। सिपाही हो, ले जाओ इसे और जंजीरों में बांध कर गंगा में डाल दो, देखता हूं इसे कौन बचाएगा। पानी कैसा बुलबुला, ऐसे मानुष की जात देखते ही छुप जाएगा, जू तारा पर भात। राम 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 राम। राम 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 राम।
बोलो संत कबीर की जय हो। बोलो संत कबीर की जय हो। बोलो संत कबीर की जय हो।